आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास ट्वेल्थ का जो है न्यू सिलेबस जो है आ चुका है। जो जो स्टूडेंट जो है 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनको जो है यह वीडियो जो है देखना बहुत ही जो है अति आवश्यक है। अगर यह वीडियो अगर आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देख लेते हैं तब आप लोग जो है 100 में 100 भी जो है स्कोर आराम से कर पाओगे, क्योंकि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो आपका सिलेबस ही होता है। अगर आप लोग सिलेबस को अगर सही तरीके से अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आराम से आप लोग जो है 100 में 100 जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है सभी चीज़ को जो है ध्यान में रखना है, क्या जो जो चीज़ बताने वाला हूँ एक एक चीज़ को जो है अच्छी तरह से समझते जाना है। तो यह वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूं किस तरह जो है आपके न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन और कहां कहां से क्वेश्चन और कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, क्लास ट्वेल्थ में आपका जो है हिंदी 100 मार्क्स में जो है दो होता है, एक होता है गदखंड और एक पदखंड होता है। तो गदखंड में जो है आपका टोटल जो है आपका 13 चैप्टर आता है, यानी 13 चैप्टर से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। यानी जो आपके गदखंड जिसे मान लीजिए आपका चैप्टर का नाम हो गया बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, इस तरह जो आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं और आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ जो है गदखंड से जो है आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना तो बात समझ में आ गया। आगे चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर का सभी का नाम। अब चलिए उसके बाद आता है पदखंड, यानी पदखंड में भी जो आपका टोटल 13 चैप्टर है और इसमें से आपका 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हो गया क्रमरक हो गया, सूरदास के पद हो गया, तुलसीदास के पद हो गया, छपा हो गया, इस तरह जो है आपका 13 चैप्टर जो है यहाँ पर जो आपका पदखंड में है, यानी गदखंड और पदखंड, यानी गदखंड जो है प्लस पदखंड, यानी टोटल जो है अगर देखा जाए टोटल आपका जो है 26 चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन कितने पूछे जाने, यानी पहले गदखंड से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन और पदखंड से आपका जो है 28 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 58 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके गदखंड और पदखंड यानी आपके बुक से जो है ऑब्जेक्टिव जो है बन रहे हैं। आगे चलिए, एक एक चीज बता रहा हूं एकदम अच्छी से बारीकी समझिए, आपका न्यू पैटर्न जो है इस तरह आपको लिए जाएंगे। अब देखो दिगंत हिंदी 100 मार्क्स में जो है 2 मार्क्स का जो है आपके ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, रस्सी का टुकड़ा हुआ, कलर की मौत हो गया और पेशगी हो गया, यानी ये 3 चैप्टर से आपका जो है 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपका जो है 60 मार्क्स जो है अगर देखा जाए तो आपका बुक से जो है आपका 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले ये आपका समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहाँ पर गदखंड से कितने ऑब्जेक्टिव बने, 30 ऑब्जेक्टिव बने, पदखंड से कितने बने, 28 ऑब्जेक्टिव बने, और जो एक्स्ट्रा में जो दिगंत से जो है आपका 3 चैप्टर से, यानी जो 3 चैप्टर है, ठीक है, यानी जो 3 चैप्टर है इससे आपके 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन रहा, यानी 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी 30 28 और 2, यानी टोटल जो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है ये आपका जो है 60 मार्क्स जो है आपका यहां से बन रहा, यानी आपके बुक से जो है 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आपके न्यू पैटर्न 2022 का जो है यह लेटेस्ट अपडेट है, यानी 2022 में आपका टोटल बुक से जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात रही कि 40 मार्क्स जो है ये आपके व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब व्याकरण में कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर देखा जाए संधि, यानी संधि से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय से आपको 4 मार्क्स, ये सभी चीज़ को जो है आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यही जो है आपको 100 में 100 स्कोर कराने में मदद करेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको किसमें ज़्यादा मेहनत करना है, तो वही आपको करना है। यानी देखो उपसर्ग और प्रत्यय से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, आपका जो पर्यायवाची शब्द है यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से 4 मार्क्स हो गया, संज्ञा सर्वनाम से आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिंग यानी लिंग जो होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहां से 4 मार्क्स हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहां से 1 मार्क्स, और कुछ प्रमुख जो है लोकोक्तियां जो हो गया, उसके बाद हो गया कहावतें हो गया, मुहावरे यानी मुहावरे से आपके 5 मार्क्स हो गया, पर्यायवाची शब्द से, यानी टोटल अगर देखा जाए तो आपका जो है ग्रामेटिकल यानी ग्रामर से आपका 40 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जबकि बुक से अगर देख रहे हैं तो यहां पर 60 ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह बन रहा है। यानी आपका जो अगर मेन अगर बात अगर आपको समझा जाए तो इसमें क्या, यानी आपके टोटल जो है हिंदी की जो बुक है दिगंत बागतू यहां से आपको जो 60 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं,
और जो 40 ऑब्जेक्टिव है ये आपका जो है ग्रामेटिकल से बन रहा है, यानी टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव 2022 के एग्जाम में आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको न्यू पैटर्न जो 2022 का है इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम में आपको आंसर देना है, यानी 50 क्वेश्चन आपको जो इच्छा होगा वो छोड़ सकते हो। आप चाहोगे तो सिर्फ सभी बुक का ही क्वेश्चन बनाकर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपना चॉइस है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर एग्जाम में देना है। अब देखो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का, अगर बात की जाए सब्जेक्टिव की, यानी सब्जेक्टिव में जो आपका कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए निबंध, निबंध में आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रश्न संख्या 6, यानी अगर देखा जाए आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 6 क्वेश्चन आपको जो है दिए जाएंगे, जिसमें से आप सभी को कितना करना है, आपको सिर्फ एक बनाना है और आपको 8 मार्क्स जो है यहां से मिलेंगे, याद रखना। यानी आपके टोटल जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक का ही जो है चयन करना है, यानी एक परी बनाना है। जैसे मान दुर्गा पूजा हो गया, इस तरह जैसे मान लीजिए दिया छात्र और अनुशासन दे दिया, मतलब इस तरह जो है आपका जो है पूछा जाएगा, याद रखना। और इसमें से जो आपका जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो प्रसंग व्याख्या, यानी इसमें से जो आपका 4 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए जो है आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल आपका जो है 8 मार्क्स, यानी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, याद रखना 4 क्वेश्चन आपको जो है दिए जाएंगे और इसमें से आपको सिर्फ 2 बनाना है, यानी आपका प्रत्येक के लिए 4 मार्क्स दिया जाएगा और आपको 2 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करना है और यहां से आपको जो है 8 मार्क्स मिलेगा। अब देखो अगर पत्र लेखन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही प्रश्न आपको बनाना है, और जबकि प्रश्न आपको 2 दिया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी पर जो है लेख दिया जाएगा तो उसमें से 2 में से आपको एक का ही जो है आंसर देना है। अगर आगे अगर बात देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर और अति लघु उत्तरीय, यानी आपका जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे इसमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका जो है 10 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें प्रश्न संख्या यानी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, याद रखना 10 क्वेश्चन में से मात्र आपको जो है 5 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करना है, यानी 5 क्वेश्चन आप जो इच्छा होगा वो बना सकते हैं और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका 10 मार्क्स यहां से बनता है। आगे चलते हैं। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो है टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें प्रश्न संख्या आपका जो है 6 रहेगा, यानी आपका 6 क्वेश्चन जो है दी जाएगी और इसमें से आपको जो है 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, और टोटल आपको जो है यानी आपको प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल आपको 15 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। ये आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 3 बनाना है और आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो संक्षेपण जो है आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी आपका क्वेश्चन जो है 2 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का ही जो है सॉल्यूशन करना है, यानी आपको एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है और आपको 4 मार्क्स। तो ये रहा 2022 का न्यू पैटर्न, और आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन तैयारी के लिए जो है 2022 में सभी बच्चे जो है, अगर आप लोग चाहते हैं बेहतरीन और धमाल तैयारी के लिए जो है आप सभी के लिए जो है स्पेशल कोर्स लाए हैं। जो जो छात्र अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे पूरे साल की तैयारी के लिए जो है आप सभी को ये जो है आपका गेस्ट पेपर आप सभी के लिए तैयार किया 125 है, लेकिन सभी सब्जेक्ट के लेंगे तो आपको 500 में ही जो है सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और ये आपका WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके जो है 500 पेज करने के बाद जो है आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मॉडल पेपर सभी चीज़ मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो है आज के जो है कुछ टॉपर हैं टेलीग्राम पे, जो जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉपर के लिस्ट।